अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, जिस तरह शहर मैसूर में रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के ज़ेर सरपरस्ती जो है आज खुसूसन हमारे एनआर हलका में अलग अलग जगहों पर तरक्याती कामों को लेकर जो है हम इनके साथ ही रहे, तो चार जगह लगभग जो है इन्होंने तरक्याती कामों को लेकर संगे बुनियाद जो है रखी गई है। उनके हमरा अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब भी जो है हर जगह मौजूद रहे, और साथ ही साथ बहुत सारे कांग्रेस के लीडरान और कारकुरान भी जो है उस वक्त देखे जा सकते हैं। खुसूसन जनाब शहनशाह साहब भी जो है हमारे दरमियान मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं, जनाब सऊद साहब भी जो है इस वार्ड के साबिक कारपोरेटर हैं, वो भी जो है हमारे दरमियान मौजूद रहे। तो आपको एक एक करके दिखाएंगे कि जिस तरह तरक्याती कामों को लेकर अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब खुद जो है सुबह 9 बजे से लेकर अभी लगभग 1:45 बजे हो रहे हैं, तब तक भी जो है लगातार जो है जा रहे हैं हर अलग अलग वार्ड में जाकर जो है वहां पर तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए वहां पर संगे बुनियाद रखे हुए हैं। तो आइए तफसील से जानते हैं कि इस पर अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का क्या कहना है।
देखिए आज नरसिंह राजा हल्के के खैरुलवाड़ा मस्जिद के अतराफ नागराजप्पा लेआउट का काम वो लगभग 1,90,00,000 में है ना उसका आगाज किए, उसके बाद 85,00,000 में अलकरीम स्कूल के सामने का रास्ता उसका काम आज आगाज दिए है, उसके बाद नायडू नगर वहाँ लगभग 1,70,00,000 रुपए में वहाँ का काम का आगाज किए हैं, आज मुनेश्वर नगर में 55,00,000 का काम के लिए हमने ना आगाज किए हैं, और साथ ही साथ कुरी मंडी में 50,00,000 का काम, कुल 5,45,00,000 का काम है ना आज हमने आगाज किया है। इसके अलावा मुनेश्वर नगर के लिए और 1,00,00,000 रुपए का काम है ना टेंडर के लिए गया है। आज जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि है ना बावजूद के ये रेवेन्यू लेआउट है, यहाँ अच्छे रास्ते हैं और है ना यहाँ है ना हर तरीके की सहूलत हमने फराहम की है, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह में जो बारिश आई, उस बारिश की वजह से यहाँ जिस इलाके का मैंने अभी मुआयना किया, वहाँ बारिश की वजह से घरों में पानी है ना आ जाता था, और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बारिश की बड़ी मोरी जो है यहाँ पहले नहीं थी, इसकी वजह से यहाँ जितना पानी आता था वो निकल जाता था, लेकिन लोगों को उससे बहुत तकलीफ थी। आज जिस मकसद के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 अड़ी तक है ना रास्ते को ऊपर लेकर लोगों को जो बारिश के पानी से तकलीफ होती थी और यूजीडी का पानी जो घरों के अंदर आता था उसे बिल्कुल पूरे तौर से लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए आज ये काम लिया गया है। ये काम होने के बाद यहाँ के रास्तों की दुरुस्ती के लिए 75,00,000 का है ना एक एस्टिमेट बना कर टेंडर गया है, वो आने के बाद जितना इलाका देवनूर केरे को लगकर आया है उसका है ना तरक्की का काम इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में लेंगे। आज जब मुनेश्वर नगर जा रही है तो हमारे रोड से कनेक्टिंग होता हुआ एमजी रोड जो है, सर एमजी रोड के क्लासिक स्कूल जो है उसके डाउन में एक रोड कनेक्टिंग होता बल्कि बहुत आई थी। जी जी, वो सही है या गलत है? देखिए ये तालाब के बाजू से है ना एमजी रोड तुम्हारे देवनूर टैंक रोड को है ना लिंक करने का काम CDP में इसका नक्शा है, इसके लिए 2 मरतबा हमने पैसे देकर टेंडर भी हुआ था वहाँ डेक डालने के लिए, लेकिन कई वजहों के वजह से यहाँ के मुकामी जो कॉरपोरेटर्स हैं और वहाँ के मुकामी लोग जो है वो काम को रोक दिए थे, वो पुलिस कंप्लेंट भी हुआ है, अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ वो डेक डालकर रास्ता पूरे तौर से ना देवनूर टैंक रोड को जो है लिंक करने का काम होगा। सर आप ही के हल्के में आपने देवनूर लेक को एक शक्ल देने के लिए बेड़ा उठाया था, सर अभी वो काम रुक कर है क्या? नहीं देखिए, इसमें जो पहले लेवल में जो काम होना था उस काम का है ना एक तरफ से काम हो रहा है, क्योंकि गायत्रीपुरम, गांधीनगर, राघवेंद्र नगर, शांति नगर, उदयगिरी, ये तमाम इलाकों का जो है ना सुएज का पानी है, जो गंदगी है ये देवनूर टैंक में आती थी, इसे मुकम्मल तौर से है ना अलग कर कर केसरे के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट को है ना लिंक करने का काम हमने है ना 2 एस्टिमेट बनाकर दोनों तौर में है ना काम मुकम्मल तौर से हुआ है। AG ब्लॉक सत्यानगर से होते हुए जो पाइप आ रहा था उसका लिंक यहाँ पे अब दिए हैं, दूसरा जो है ना शांतिनगर से आकर है ना जा रहा था उसका काम चल रहा है, जो अंबेडकर जो उनकी जगह है वहां से है ना पाइपलाइन शांतिनगर जाना है, पुलिस स्टेशन के सामने जो है ना बड़ा लाइन डाले हैं वो सुएज लाइन है, तो ये मुकम्मल तौर से देवनूर टैंक में जो है ना गंदगी आती थी इसे है ना रोकने का काम हुआ है। दूसरा, बारिश का पानी जो है ना तालाब में सीधे आता था उसे भी है ना हटाकर है ना स्टॉर्म वाटर ड्रेन के जरिए जाने का है ना काम किए हैं। तीसरा, दरमियान का जितना इलाका है उसमें है ना जो है ना गंदगी थी उसको निकालने का काम कई हजारों लोड हमने वहां से निकाला है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन की दीवार अभी बनना बाकी है, इसके लिए एस्टिमेट हुआ है, टेंडर कर गया है, वो एक बार आने के बाद वो काम भी हो जाएगा। काम होने के बाद चारों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन की है ना कॉन्क्रीट की दीवार रहेगी, उसके दरमियान में जो पानी खड़ेगा वो तालाब के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सर जिस तरह आज इसका काम खरीद हुआ है जो भी संघ बुनियाद का था, आगे जाकर और कहीं अलग अलग वार्डो में जो है इस तरह की जो है तरक्याती काम को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए आज
पूरे तौर से लगभग 45 लाख का काम हमने ना मंजूरी दी है, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ता हमने 5 करोड़ का काम किया, आज 5 करोड़ का काम किया है, आने वाले दिनों में आने वाले हफ्ते का दिन और 5 करोड़ का काम करना बाकी है, फिर उसके बाद 20 करोड़ का काम टेंडर को गया है और 10 करोड़ का काम जो शिवाजी रोड तुम्हारा देवनूर टैंक रोड अलबदर मस्जिद निमरा मस्जिद दारुसलाम से होते हुए अजीसेट रोड को लिंक करने का रोड का काम 10 करोड़ के लागत में वो काम भी है ना हमने टेंडर को भेजा है। इसके अलावा माइनॉरिटी ग्रांट्स में 10 करोड़ रुपये हमने दिए हैं, तो पूरे लगभग 45 करोड़ रुपये का काम हमने इस साल हमने मंजूरी देकर इन तमाम कामों के लिए प्रोग्राम दे चुके हैं। देखिए पब्लिक इसमें है ना बाकायदा ताउन दे रहे हैं, कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि घर के सामने छोटा मोटा गार्डन बना लेते हैं या पेड़ पौधे रहते हैं, उसको निकालने के बात को लेकर है ना लोगों से भी नाराजगी होती है, उनसे भी है ना तकरार होता है, लेकिन जहां तक हो सके हमारे मुकामी जितने हमारे कॉर्पोरेटर्स साबिक कॉर्पोरेटर्स है या हमारे लीडर्स है वो लोगों को है ना तसली देकर अपने आप वो काम हटाने का काम कर रहे हैं, जिससे है ना जहां कहीं भी जो तरक्की के काम हो रहे हैं उसमें आज तक हमारे सामने कोई ऐसा मंसूबा नहीं आया। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्हाज तनवीर सेठ साहब ने 6 मिनटें जीतने के बाद जो है तरीकियों का काम जो एनआर क्षेत्र में ये डबल टेम हो रहा है, इंशाल्लाह ये खैरुल्ला मस्जिद का इनके ही ग्रांड में जब 3-4 साल पहले जो काम हुआ था यही रोड का, फिर रोड डैमेज हो जाने के वजह से आज फिर 1.9 करोड़ रुपए वार्ड नंबर 10 की तरक्यात का काम को अंजाम दे रहे हैं, और इसके बाद नागलिंगेश्वर टेम्पल का एक गुदली पूजा है वार्ड नंबर 10 में ही 2 काम स्टार्ट हो रहे हैं। सर आपने पिछली मरतबा कहा था कि आपके वार्ड में दीगर वार्ड की तरह पार्क्स बहुत ज्यादा है, तो तनवीर सेठ साहब को मदद लेकर पार्क्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, इस तरह का आपका बयान था, तो उसको बेशक देखो वार्ड नंबर 10 जो डिलिमिटेशन के बाद जो है एक 20x7 या 20x8 पार्क होते हैं, इस वास्ते मैं ये 5 साल में जो है एक 10 पार्क डेवलप कर चुका हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अल्हाज तनवीर सेठ साहब की तरफ से और मूड़ा के जो साहब का ग्रैंड है उनके तरफ से 5-6 पार्क डाले हैं, वो थर्ड स्टेज में जो है यासीन मस्जिद के पीछे एक पार्क बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है, इंशाल्लाह साहब के फिर ग्रैंड से और फुटबॉल ग्राउंड भी जो है साहब के ग्रैंड से ही हो रहा है वो। अभी जो है आप साबित कारपोरेटर बदल गए, क्या आपके जो भी पिछले जो कारपोरेटर थे उससे जो है पूरी आवाम मुतमईन है, आपसे खुश है, आप जो भी काम तरक्की के करे हैं उससे सारी खुश है, आने वाले दिनों में जो है आपको एक बार फिर यहाँ से जो है बताया जाएगा? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी कारपोरेटर अगर खिदमत के लिए आके काम करा है इंशाल्लाह 5 सालों में जो हमें काम करे हैं तो इंशाल्लाह अवाम यहाँ की फिर जीता को हमना ले लगा को उस सौदे पर बिठाएगी इंशाल्लाह। कॉलोनी में जो ड्रेन का काम अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो जो अल्हाज तनवीर सेठ साहब के ग्रैंड से ही, वहाँ का बहुत बड़ा तकाजा था कि यहाँ आप बारिश का पानी जो है वो तालाब का जो पानी अगर बारिश हो गया तो आधा क्रिश्चियन कॉलोनी को पानी आ जाता था, तो अब ये ड्रेन जो है यहाँ से नारायण उदालय तक का वो अल्हाज तनवीर सेठ साहब के ग्रांट से ही काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो 4-5 साल से कोशिश थी हमारी कि वो काम को अंजाम दे, लेकिन कुछ इसकी वजह से वो काम थोड़ा रुक गया था, इंशाल्लाह अब स्टार्ट हो जाता है।